Hey guys, welcome to my channel, Advik's Journey. So, आज की इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा आपको मानी, भाई पैसे मांग रहे हैं बंदा, इरिटेट कर दिया इसने, व्लॉगिंग नहीं करने दी। हां वो मैं भाई, इस बंदे ने इरिटेट कर दिया मनी मनी करके। मैं फाइनली इसको मनी देने जा रहा हूँ यार, बहुत पीछे पड़ा। मनी मनी इंग्लिश में कह रहा है और इंग्लिश में बात करने की कोशिश कर रहा है। मैंने कहा ओके, दो तीन आदम भी दे देता हूँ। आनी ओवेशन माँ, वो मैं हंसियन वो शोषण भाई। बंदा 100 आदम भी मांग रहा है, मतलब 1200 रुपए इंडिया के, बट मैं इसको 5 या 10 आदम भी दूंगा, इससे ज्यादा नहीं दूंगा। सो भाई मैंने इसको बंदे को 10 आदम भी दिया। हो दौला माँ, ओके। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल आद्विक्स जर्नी। तो अभी इस वक्त मैं हूँ एक बुद्धिस्ट टेम्पल के बाहर, जिसका नाम है बाओथोंग टेम्पल, और ये टेम्पल लोकेटेड है वुहान चाइना में। और हालांकि ये इंडिया के जो बुद्धिस्ट टेम्पल है उनसे थोड़ा डिफरेंट है। आपको दिखाता हूँ यहाँ के टेम्पल डिफरेंट क्यों है। कुछ दिखने में ऐसा अंदर से बहुत ही ब्यूटीफुल है। अभी चलते हैं अंदर। हालांकि टिकट की बात करूँ तो यहाँ पे बारकोड लगा हुआ है, हमें बारकोड स्कैन करना होगा। टिकट प्राइस जो है 10 RMB है, जो कि इंडियन रुपीज में हो जाता है 120 रुपये की टिकट है। सो अभी बाहर चलता हूँ। बाहर से मैं सोच रहा हूँ अगरबत्ती वगैरह और कुछ रेड कलर के रिबन्स होते हैं वो ले लेता हूँ अंदर बांधने के लिए और जलाने के लिए, क्योंकि अगर टेम्पल में जा रहा हूँ तो पूरा एक्सपीरियंस करते हैं। 10 के 3 RMB है। हाँ नेहा ओलावन, नेहा तो वो यहाँ माँ है जगह। ओके, तो इस पे कुछ लिखा हुआ है, मतलब ये प्रेयर के लिए, आप मनी के लिए प्रे कर सकते हो, अपनी हेल्दी लाइफ के लिए प्रे कर सकते हो और अपनी फैमिली की वेल्थ के लिए प्रे कर सकते हो। तो अलग अलग इसमें कुछ लिखे हुए, और ये सब देख लो ऐसे ऑयल्स वगैरह कुछ, ये जगह जगह तो भाई ये टोटल मुझे जो सामान पड़ा है ये मुझे 20 RMB का पड़ा है। इन्होंने कुछ अगरबत्ती सी दी है और ये 3 रिबन दिए हैं। तो अभी इन्हें लेके चलते हैं अंदर। चलते हैं टेम्पल में। सामान तो हालांकि ले लिया और अंकल ने मुझे बोला कि इसे छुपा लेना, क्योंकि अंदर ले जाने नहीं देंगे, क्योंकि अंदर इनकी खुद की दुकान है। तो बाहर के मतलब ये जो अगरबत्ती वगैरह ये जो ले जा रहे हो आप सामान, ये ले आने नहीं देंगे। लगे आज हॉलीडे नहीं है पर भीड़ बहुत है, और अपने पे बारकोड भी है, टिकट ले ली है मैंने, तो इनको दिखाना पड़ेगा, स्कैन कर लेंगे। और भाई हम भाई यार ये सामने ही गिर गया। भाई जो अगरबत्ती वगैरह मैं लेके आया था ना, वो मुझे छुपा के लाना था, मैंने जैकेट के अंदर रखा था, बट वो चेकिंग वाली जो थी ना उनके सामने ये नीचे गिर गया। वो भी हंसने लगी कि फॉरनर भी मतलब चोरी छुप के अंदर लेके आ रहा सामान। फिर उन्होंने कुछ बोला नहीं, फिर मैं उठा के फटाफट अंदर आ गया। तो अंदर से एंट्री पॉइंट कुछ ऐसा है अंदर, मतलब काफ़ी खाली एरिया भी है, वहाँ पे शायद अगरबत्ती वगैरह बर्न होती है, वहाँ पे भी चलेंगे। और ये एंट्री पॉइंट यहाँ से है जो टेम्पल में जाने के लिए। हालांकि इस कल्चर के बारे में मुझे तो कुछ पता नहीं, कैसे जलाना है क्या है, बट जैसे लोग जलाएंगे मैं भी वैसे जला दूंगा। यहाँ पे काफ़ी जगह है, मतलब काफ़ी इन्होंने अलग अलग प्लेस बना रखे हैं जलाने के। ये कुछ ऐसे बुद्धिस्ट टेम्पल में यहाँ पे होता है, डोंट नो इंडिया में होता है नहीं होता, क्योंकि इंडिया में मॉनेस्ट्री में गया हूँ बट मैंने ऐसा कभी एक्सपीरियंस देखा नहीं ये जलाने का। और जला के ये लोग प्रेयर करते हैं खड़े होके। सो कुछ ये मेन है जो बीच में, इसके अंदर आप जला सकते हो, आप देख सकते हो इन्होंने कितनी बड़ी ली और कैसे जला रहे हैं। तो कुछ ऐसा एरिया और यहाँ पे भी बना हुआ है, इंटरेस्टिंग लग रहा है यार देखने में। स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है, जैसे लाइक इंडिया में हम अगरबत्ती वगैरह नहीं जलाते थे, सो वैसे ही काइंड ऑफ स्मेल है इसकी। और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ये रिबन बांधने का है, जो हमने 3 रिबन लिया है। तो पहले जो मैंने ये लिया है ना, इनको जलाता हूँ, फिर उसके बाद रिबन बांधते हैं, फिर अंदर टेम्पल में चलते हैं। अगर बत्ती वगैरह का तो समझ में आता है, इन्होंने येलो कलर का पेपर दिया, इसका क्या करना है पता नहीं, डोंट नो। तो आप देख सकते हो सामने जो लड़की प्रेयर कर रही है, काइंड ऑफ ऐसे प्रेयर करनी है, और आंटी मेरी वीडियो बना रही है, बट इट्स ओके। दोनों साइड से मतलब ये लोग ऐसे झुक के प्रेयर करते हैं। अकेले मतलब इसको जलाना और कैमरा पकड़ना डिफिकल्ट होता है, तो अभी किसी से हेल्प के लिए बोलता हूँ। निहाओ, हेलो, कुड यू डू मी अ फेवर, कैन यू मेक अ वीडियो ऑफ माई सेल्फ? वो निखाइजो। वेट, इन लड़कियों को ना मैं चाइनीज में समझाता हूँ, फिर क्या पता ये मेरी हेल्प करेंगी। मुझे चाहिए कि कोई मेरी वीडियो बना दे। निखाई बांग, वो बूछी दाओ जगह, वो बूछी दाओ जगह से क्षमा। निखाई बांग वो नी गाउसू वो, हाँ, and you can make video of myself. What, what thing dongla ma? 就是
对对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 
भाई इन दोनों लड़कियों ने मेरी काफ़ी हेल्प करी। सो निमंशी शेषंग ना शेषंग दास शेषंग या योर यूनिवर्सिटी नेम समा गाँव था हूँ ओके निमन तो जोनी शेषंग नो नो जॉनी है जॉनी है मेजर ओके व्हाट्स योर नेम Yeah, your name, 你的名字是什么？柯以璇。柯以璇。嗯。你有英语名字吗 ？No。Hello， 你有？我没有。没有。哦、oh, ，好的，没有问题。啊、谢谢你，你们帮我，谢谢，谢谢，谢谢。拜拜拜拜。अच्छा भाई जो प्रेयर का काम था वो तो कंप्लीट हो गया उन्होंने काफी हेल्प करी उन लड़कियों ने हालांकि कैमरा उन्होंने पकड़ा था डोंट नो फ्रेम कैसा आया होगा बट जैसा भी होगा यार एडजस्ट कर लेना सो अब चलते हैं टेम्पल के अंदर चलते हैं तो कुछ ऐसा व्यू है यहाँ पे जैसे हमारे इंडिया में होता था ना हर भगवान की अलग अलग मूर्तियाँ वगैरह रखी होती थी तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ये इस साइड दूसरे भगवान हैं उस साइड दूसरे भगवान हैं और सामने ऊपर बड़े वाले भगवान हैं अभी रिबन देख के याद आया कि रिबन तो मैंने भी लिया था पर मैंने बांधा ही नहीं तो इन्हें भी यहीं बांध देता हूँ कितने लोगों ने बांध रखा है यार कितने हजारों में होंगे यहाँ तो ये थे भाई अपने रिबन मैं सोच रहा हूँ इन हाथी पे ही बांध देता हूँ क्योंकि यहाँ तो फूलों रखे हैं तो यहाँ बांधता हूँ भाई अंदर एंट्रेंस कुछ ऐसी है ये बुद्धा की मूर्ति लगी हुई है सामने और यहाँ पे आप खड़े होकर प्रेयर कर सकते हो ये येलो कलर का जो है ये जो मैं बता रहा था जो मैं आपको बोल रहा था कि थोड़े देखने में डरावने से लगते हैं ये कुछ ऐसे हैं आप देख सकते हो बट ऐसा सुना है कि मतलब ये बुद्धा के गार्ड्स वगैरह थे या कुछ थे अच्छा आप इनके आर्किटेक्चर में देखोगे ना क्योंकि बुद्धिज़्म में कहीं ना कहीं इंडियन कल्चर और हिंदुज़्म भी मतलब मिक्स है सो अगर आप आर्किटेक्चर में देखोगे तो आपको स्वास्तिक बहुत जगह मिलेगा कि बॉर्डर्स पे आपको ग्रीन और गोल्डन में बना हुआ दिख रहा है ना वो स्वास्तिक है आई डोंट नो इस कैमरे में दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा और ये जो मेन टेम्पल के जो गॉड हैं वो आई थिंक अंदर हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत भीड़ है और ये काफ़ी यूनिक और काफ़ी बड़ा दिख रहा है इस साइड का एरिया सो भाई अंदर का व्यू कुछ ऐसा है और आई थिंक कुछ तो चल रहा है इधर तभी इन्होंने अंदर कुछ मीटिंग वगैरह या इनकी प्रेयर चल रही है आप देख सकते हो तो अंदर इन्होंने अलाउ नहीं कर रखा आना बंद अंदर साइड पे थोड़ी बुद्धिज्म वाली वाइब्स आ रही है क्योंकि यहाँ पे वो मॉन्क वाले ड्रेस में लोग थोड़ा देखने को मिल रहे हैं और ये लोग अपनी प्रेयर्स वगैरह कर रहे हैं जो भी है तो अलग ही फील हो रहा है यहाँ पे और भाई वाइब्स भी अलग आ रही है लिटरली और आप यहाँ से व्यू देखो अच्छा इस साइड आके ना यार मतलब मुझे लिटरली थोड़ा थोड़ा मतलब इंडियन टेम्पल्स वाली वाइब्स आ रही है क्योंकि जैसे हम इंडियन टेम्पल्स में वो ढोल वगैरह बजाते थे जाते थे सो यहाँ पे भी काइंड ऑफ सेम सिमिलर है बुद्धिज़्म यार आपको पता ही है हर जगह का सेम ही होता है सो यहाँ पे भी आप देखो पीछे जो स्पीकर्स में ये जो अपना गाना वाना गा रहे हैं मेरे को लिटरली जो पूजा करते हैं बैक साइड में मुझे लिटरली ये एकदम हिंदी लैंग्वेज लग रही है ऐसा लग रहा है हिंदी में ही कुछ बोलते हैं बट डेफिनेटली इनकी अलग लैंग्वेज होगी बट सुनने में ऐसा लग रहा है जैसे इंडियन मंदिर में आती थी ना आवाज़ भाई पूजा वूजा की वैसे ही सेम आवाज़ आ रही है तो भाई चलते हैं ऊपर चलते हैं देखते हैं ऊपर की साइड क्या है ऊपर भी आई थिंक वो अलग भगवान का टेम्पल है आई थिंक जो मेन भगवान है वो सबसे ऊपर है और यहाँ से यार ऊपर का व्यू देखो आपको वो जो बीच में सामने वो चक्र बना हुआ दिख रहा है उसमें स्वास्तिक बना हुआ है अच्छा अगर जब कल्चर वगैरह की बात आती है रिलीजन की बात आती है तो चाइना में ना आपको मैं बता दूं चाइना में ना 70% लोग ना एथिस्ट है मतलब जो नास्तिक है जिन कोई धर्म को नहीं मानते वो खाली हार्डवर्क में बिलीव करते हैं आपने मेरी वीडियो में वो चाइनीज़ लड़की देखा होगा जिसका नाम लिया हुआ है वो भी एथिस्ट है उसका कोई धर्म नहीं है कोई कल्चर कुछ भी नहीं है वो खाली हार्डवर्क में बिलीव करती है सामने का कुछ एरिया ऐसा है और स्टेयर केस चढ़ के हमें ऊपर जाना है और वहाँ पे एक दिख रहा है टावर अच्छा चाइना में ना भाई बिल्लियों के बहुत दीवाने हैं यहाँ देखो इसको पैट कर रहे हैं और ये भी कितनी आराम से बैठी हुई है लाइक ऐसे पोजीशन में लेके बैठी हुई है लाइक जैसे कोई टाइगर हो कैट्स यार बहुत अच्छी होती हैं यहाँ की और ये काफ़ी भाई खा पी के मोटी सी हो रखी है लाइक इसको खाना बहुत अच्छा मिलता हुआ यहाँ पे क्या ये कैट भी वेजिटेरियन होगी क्योंकि बुद्धिस्ट टेम्पल में तो इसको भी वेजिटेरियन होना चाहिए एक्चुअली सॉरी जिस चीज़ को मैं टावर बोल रहा था वो टावर नहीं आता वो भी टेम्पल है भगवान जी का टेम्पल है उसमें भी मतलब ऐसे पूजा करने वाली ये चीज़ें हैं बुद्धिस्ट मंदिर है तो वहाँ पे टावर कहाँ होगा टेम्पल होगा तो आप देखो ये कितना लंबा है काफ़ी लंबा है मैं ठीक इसके नीचे खड़ा हुआ हूँ अगर मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बताऊँ ना तो ये मतलब 1291 में बना था और ये युआन डायनेस्टी का
टाइम पे बना हुआ ये बुद्धिस्ट टेम्पल का है। सो आप देख सकते हो यार काफी पुराना है, मतलब 13 सेंचुरी का ये टेम्पल है जो मेरे सामने है इस वक्त। सो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो आपने एंड तक देखी तो डेफिनेटली आपको पसंद आई होगी, और आप लोग मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो कि आप नेक्स्ट वीडियो किस पे देखना चाहते हो। और यार आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एज यू ऑल नो कि मेरा चैनल अभी इनिशियल स्टेज पे है, मुझे आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। लाइक शेयर सब्सक्राइब भले ही आपके लिए फ्री हो, बट ये मुझे मोटिवेट करता है मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए। सो आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल आज वीक्स जर्नी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू माय यूट्यूब फैमिली। बाय बाय, हैव फन।